हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले। अब ये कह रहा है ना कि प्रमेय 10.4 करा रहा हूँ मैं, इसमें कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पे लंब होती है। अब उल्टा आ गया। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, वहाँ पे बोला था ये ऊपर वाला कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ उल्टा बोल दिया कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंबी होती है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए रेखा खींची है, तो ये समद्विभाजित तो है ही। तो अब जो जीवा खींची है, ये वाली जो रेखा खींची है ना जीवा पर, हमें प्रूफ करना है ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब। तो हाँ, ये मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ, सही है। तो क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, लिख देंगे, माना ये वृत्त है और ये केंद्र है और ये हो गया मेरा जीवा, इसका नाम ले लो PQ, सही है। तो लिख देना पेपर में, माना ओ वृत्त का केंद्र है और PQ क्या है, जीवा है, और ओ को PQ के मध्य बिंदु M से मिलाया गया है। ये मध्य बिंदु क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पर्सन में बोला गया था कि केंद्र से ना जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जो खींची गई है ना, ये रेखा इस पे लंब है। तो यानी हमें पर्सन में दिया हुआ है PM बराबर QM है और ओ को PQ के मध्य बिंदु से मिलाया है, ठीक है। PQ के मध्य बिंदु से मिलाया गया है, तो बस इसको मिला लो, ये एक त्रिभुज बन जाएगा, इसको मिला लो ये त्रिभुज बन जाएगा। अब दो त्रिभुज ले लो। अच्छा, पहले ये लिख लो कि सिद्ध क्या करना है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो केंद्र से हमने रेखा मिलाई है ना जीवा को संभावित करने के लिए, दो बार भाग में बांटने के लिए, तो ये जो रेखा मिलाई है इस पे लंब है, इस पे लंब है। तो सिद्ध करना है कि OM है ना वो PQ के ऊपर लंब है, अर्थात ये प्रूफ करना है कि एंगल OMP और OMQ ये दोनों के दोनों क्या है, 90 यानी लंब है, सही है। तो हम इसके लिए वही पिछली बार की तरह क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले लेंगे, OMP और दूसरा वाला O, हाँ OMQ, और पहला बताओ OP बराबर OQ होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, और OM उभयनिष्ठ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में सटा हुआ है, इसमें भी, और तो ये आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। और तीसरा वाला PM बराबर QM, अभी पर्सन में बोला था, यहाँ पे लिख दो दिया है। अब जब ये तीन चीज़ें बराबर जाएगा तो त्रिभुज OMP बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा, OM तो SSS सर्वाग समता कसौटी से सर्वाग समता कसौटी लिख देंगे। फिर CPCT से मैं लिख दूंगा कि ये दोनों कोण बराबर है, तो एंगल OMP बराबर एंगल OMQ, ये लिख दूंगा दोनों बराबर है बाय CPCT। अब मैं लिख दूंगा परंतु ये तो सीधी रेखा है, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180। अभी दोनों बराबर थे, दोनों का जोड़ 180 आ रहा है, तो हो जाएगा ना 90-90। तो इसको यूँ लिख देंगे, परंतु PMQ यानी ये वाला PMQ एक सरल रेखा है, तो लिख देंगे एक सरल रेखा है। अगर ये सरल रेखा है तो एंगल PM यानी OPM सॉरी OMP और फिर OMQ दोनों का जोड़ क्या जाएगा, 100। अभी ये दोनों बराबर था तो इसको भी OMP लिख लो और इसको भी OMP बराबर 180। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो डबल हो जाएगा ना, OMP बराबर 180, दो के पढ़ से कट जाएगा, तो हमारा एंगल OMP क्या आ गया, 90 आ गया। तो हो गया ना प्रूफ, तो अतः लिख देंगे, अतः OM लंब है, अतः OM लंब है PQ पर, और या फिर यूँ लिख देंगे, अतः वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लो एक बार ढंग से। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा लंब होती है। देखो हो गया ना लंब प्रूफ, ठीक है।